वहीं चित्रकूट के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण स्वामी राम भद्राचार्य के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर रामकथा के लिए सिवनी आए राम भद्राचार्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच नहीं होगा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं होने वाला, बल्कि सनातन धर्म और अधर्म के बीच होगा। यहां शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कौन जीतता। तो वहीं यूपी